हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना शर्मा और आज हम लोग बनाएंगे सोयाबीन चंक्स करी। काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी बनती है सोयाबीन चंक्स करी, तो देखते हैं कि कैसे बनाना है सोयाबीन चंक्स करी। सोयाबीन चंक्स करी बनाने के लिए मैंने सोयाबीन चंक्स को भिगा कर रख लिया था और उसे उबाल लिया है 5 मिनट और स्क्वीज़ कर लिया है पानी इसका। और ये करी बनाने के लिए हमने यहाँ टमाटर लिया है 2, अदरक का टुकड़ा लिया है 1 इंच, 4-5 लहसुन की कलियाँ, हरी मिर्च और प्याज 2 बड़ी हुई। तो इन सबको पीस के पेस्ट बना लेंगे ऐसे। और एक पैन गरम करेंगे, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून के करीब तेल डाला है। अब इसमें जो है हम लोग सोयाबीन डाल देंगे हमारा। अब ये जो है चंक्स डालने के बाद इसे हमें फ्राई करना है थोड़ी देर तक, लगभग 5 से 6 मिनट तक। और उसके बाद हम लोग फिर करी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो 5 से 6 मिनट इसे हम बीच बीच में चलाते हुए थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो ये है, मैंने इसे फ्राई करके निकाल लिया है चंक्स को। और सेम पैन में मैंने फिर से तेल डाल करके और इसे गर्म कर लिया है। अब हम लोग इसमें करी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक तेज़पत्ता इसमें ऐड कर देंगे और ये थोड़ा सा पक जाएगा। उसके बाद हम लोग इसमें अपना जो पेस्ट है बनाया हुआ टमाटर प्याज अदरक लहसुन का, उसे डाल देंगे। और इसे डाल करके हमें इसे थोड़ी देर कुक करना है तेल में, ताकि जो कच्चापन है सारी चीज़ों का, सब्जियों का, वो निकल जाए। इसे अच्छे से मिक्स कर दे तेल के साथ में। और अब हम इसे कवर करके कुक करेंगे थोड़ी देर तक, लगभग 3 से 4 मिनट। बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे। तो ये देखिए, हमारा जो ये पेस्ट है काफ़ी हद तक कुक हो चुका है। इसे एक बार चला देंगे और इसके बाद फिर हम लोग इसमें ड्राई स्पाइसेस जो है वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड किया। आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और जितना कलर चाहिए वैसा ऐड कर सकते हैं। और हल्दी पाउडर, इसके बाद धनिया पाउडर, अब ये सारी चीज़ों को डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसे कवर करके कुक करेंगे थोड़ी देर तक, 1-2 मिनट के लिए। तो जो है हमारे मसाले थोड़े से पक चुके हैं पेस्ट के साथ में। अब हम इसमें आगे की प्रोसेस करेंगे। तो उसके लिए अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर ये मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। वो पानी ऐड कर देने के बाद में इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब हम इसमें बॉईल आने देंगे 1, और फिर उसके बाद हम लोग इसमें जो है सोयाबीन चंक्स उन्हें डाल देंगे। तो इसमें 1 बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें जो चंक्स हैं फ्राई किए हुए उन्हें ऐड कर देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे आपस में। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेने के बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी और गरम मसाला। तो ये गरम मसाला जो है हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे इसमें 1/2 टीस्पून के करीब, और अच्छे से मिला देंगे। और नमक स्वाद अनुसार, और इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए कुक कर लेंगे, 2-3 मिनट के लिए। बहुत इजी रेसिपी है, कभी बनाई जा सकती है। तो ये मैं इसे ढककर मैंने पका लिया है 5 मिनट के लिए।
अब इसे हम लोग चेक कर लेंगे खोल करके कि हमारी जो ग्रेवी है वो गाढ़ी हुई है कि नहीं। तो सब्जी जो है हमारी लगभग तैयार हो चुकी है, ये देखिए। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये जो है हमारी करी अच्छे से थिक हो चुकी है, जैसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। और अब देखिए, इसे मैं यहाँ पर फ्लेम बंद करके और सर्व कर लूँगी। आप इसे राइस या पूरी, पराठे, रोटी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी, टेस्टी, सिंपल रेसिपी है। तो ये बहुत ही टेस्टी सोयाबीन करी तैयार है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में।